एक्चुअली कल मैं यहाँ पहुँचा और आज इत्तेफाक से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और मैं समझता हूँ कि कुछ अलग डिफरेंट मुझे नज़र आया ट्रीटमेंट की पॉलिसी और बात करने का तरीका और पेशेंट से एक जो रिलेशन डेवलप करने का तरीका मुझे अच्छा लगा और ख़ास तौर से एक सेटिस्फैक्शन हुआ कि हाँ कुछ पहला मेडिसिन जो हमने लिया और हमारे कार में डाला गया उसके बाद जो कुछ चेंजेस महसूस हुआ कुछ एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है कि जो पूरा एकदम ऐसा लग रहा था कि ये सब पूरा झगड़ा हुआ है वो सब क्लियर मुझे लग रहा है और बहुत फ्रेंडली महसूस कर रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ मेरा रिकॉल हो सकता है। मैंने मुझे लगता है कि लगभग 97-98 के आसपास जब मैं दिल्ली में रहता था उस वक्त कुछ मुझे महसूस हुआ था और वहाँ हॉस्पिटल में मैं गया था और एक डॉक्टर थे उनसे मैं मिला तो उस वक्त ही उन्होंने बताया था कि आपको हेरिंग एड लगाना पड़ेगा तो कह रहे थे एलोपैथिक मेडिसिन में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और मैंने उस वक्त इग्नोर कर दिया और धीरे 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 जब तक हम सर्वाइवल में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन एट द मेम टाइम लास्ट में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अब मेरे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा प्रोफेशन चेंज हो गया। अब पहले प्रोफेशन था कि मैं मार्केटिंग में था या कुछ इस तरह की चीज़ें थी अब मेरा स्कूल है और मैं धीरे बोलता हूँ लोग मेरे पास धीरे बोलते हैं और ऐसे में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों की आवाज़ समझना और लोगों को फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिस रेंज पे एक अच्छे रिप्यूटेड स्कूल का डायरेक्टर होने के नाते मेरे लिए मुश्किल ये है कि मैं कैसे लोगों के सामने जाऊँ बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने मैं जाता हूँ लेकिन अपने आप को बहुत इंफेरिटिव महसूस करता हूँ। ऐसे केसेस में अगर ये चीज़ मिल जाता है तो और आपके थ्रू मिलता है तो मेरे लिए वरदान होगा ही। लगभग 1500 बच्चे मेरे स्कूल में हैं और ये सब फील करते हैं कि सर को सुनाई नहीं देता सर को सुनाई नहीं देता और कभी कभी क्रॉस करके चले जाते हैं हमारे टीचर्स हैं वो इग्नोरिंग होते हैं तो मुझे किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता। तो ऐसे केसेस में अगर ऐसा ट्रीटमेंट है तो आई एम वेरी मच सरप्राइज अबाउट दैट कि मुझे लगता है कि हाँ आने वाले ज़माने में अगर ऐसा ट्रीटमेंट है तो आप पूरे वर्ल्ड में पूरे हिंदुस्तान में आप सबसे अलग अपने आप को साबित कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मैं देख करके यहाँ पे आया मैंने फेसबुक पे और ये इन लोगों का जो यूट्यूब पे एक है उसको मैंने देखा और साथ में मेरे शहर में हमारा स्टाफ है उसके बच्चे की भी ट्रीटमेंट हो रही है उसने भी कहा लगभग 30-40% रिकवरी हुई ये आज के साथ में यहाँ पहुँचा के हो सकता है कि मुझे आप लोगों से मिलकर के बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच।